भारत की तरफ से भूटान को एक गिफ्ट के तौर पर आज सुबह सुबह कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज भेजे गए हैं। ये वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुधवार सुबह भूटान के थिम्पू के लिए रवाना की गई। वैक्सीन बनाए जाने की शुरुआत में ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने खूब सारी वैक्सीन की डोज अपने लिए मंगवा ली थी। वहीं भारत ने अपने पड़ोसी देश को भी अपने साथ साथ कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। यहाँ एक बात ये ध्यान देने की है कि भारत में अभी वैक्सीनेशन अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन फिर भी भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद करने का बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक आज ये सारी डोज थिम्पू पहुंच जाएंगी। बता दें कि भूटान पहला देश है जिसे भारत की तरफ से कोरोना वायरस वैक्सीन तोहफे के रूप में दी जा रही है। ये कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।